अकोला 24 न्यूज़, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल अकोला 24 न्यूज़ में। जिस तरह से आप जानते हैं कि हम लोग हर बार एक नई जगह जाते हैं और नए टैलेंट को जो है ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, आपको बताना चाहूँगा आज हम मौजूद हैं अकोला ज़िले के टाकली खुर्द इस छोटे से गाँव में। इस छोटे से गाँव का जब हम पॉपुलेशन की बात करें, यानी कि जनसंख्या की बात करें, तो मात्र 1300 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज इस ग्राम पंचायत यानी डाकली खुर्द के ग्राम पंचायत में आने का कारण ये है कि यहाँ पर एक लेडी है, एक जो है महिला है, जिन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इन्होंने रिकॉर्ड ये किया है दोस्तों कि मात्र 21 साल की उम्र के अंदर वो सरपंच की कुर्सी पर पहुँची हैं। आपको बताना चाहूँगा अभी तक अकोले ज़िले की सबसे यंगेस्ट, जी हाँ, अकोले ज़िले की सबसे नौजवान सरपंच का खिताब जो है वो प्रज्ञा जी ले चुकी हैं। इनके बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे, हम लोग चलेंगे अंदर, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उनकी पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको पूरा इस गांव का इंट्रोडक्शन दिया, अब हम पहुंच चुके हैं इस गांव के ग्राम पंचायत कार्यालय में। हमारे साथ कुमारी प्रज्ञा जगजीवन दामोदर जी मौजूद हैं। इनकी पूरी जर्नी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके का इनका पूरा सफ़र था और किस तरीके से इन्होंने इतनी कम उम्र के अंदर इस जो है कामयाबी को हासिल किया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अकोला 24 न्यूज़ के अंदर। प्रज्ञा जी नमस्कार। प्रज्ञा जी, मुझे बताइए, मात्र 21 साल की उम्र के अंदर आप 1300 लोगों के गांव के अंदर एक सरपंच बनी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत डिफिकल्ट है पर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। 1300 लोगों की आपने ये पूरे गांव का जो है सरपंची संभाली है। थोड़ा मुझे आपकी फैमिली के बारे में बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं और आपका एजुकेशन के बारे में बताइए। मेरी फैमिली में 5 लोग रहते हैं, मेरे पापा, मम्मी, बहन, एक भाई और मैं। मैं मिडल हूँ, मेरे भाई बड़ा है मुझसे। अच्छा अच्छा। मेरे एजुकेशन नथमलाल गोयनका अकोला में हो रहा है, LLB के लिए। LLB कर रही है। हाँ। अच्छा। और मैंने ग्रेजुएशन श्री शिवाजी कॉलेज अकोला में किया है। अकोला से किया है। हाँ। अच्छा। तो प्रज्ञा जी, देखिए, मात्र 21 साल की उम्र के अंदर जिस वक्त जो है आज के जमाने में लोग जो है इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह इसके ऊपर अपना वक्त जाया कर रही है, आप आज के जमाने में राजनीति के अंदर आई और राजनीति में आने के बाद में उसमें कामयाबी हासिल की, कैसा लग रहा है और क्या मतलब आपकी विचारधारा थी, क्या सोच के रखा था आपने? राजनीति में आने का ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं था, पर मेरे पापा ने कहा था कि कुछ बनने के लिए कुछ कहाँ पे करियर करना पड़ता है, इसलिए मैंने राजनीति में आने के लिए पापा से पूछ के वो फैसला लिया था और राजनीति में आई और राजनीति सक्सेस भी की। अच्छा, मेरा ये सवाल रहेगा आपसे प्रज्ञा जी कि मुझे ये बताइए, आपने राजनीति तो ज्वाइन की, उसके बाद आपने इलेक्शन भी लड़े, इलेक्शन के अंदर आप कामयाब भी हुई, वो जो सफ़र आपका गुजरा उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे था इलेक्शन और कैसा फर्स्ट टाइम लाइफ में आप कर रही थी और बहुत ही कम उम्र में कर रही थी, कैसा रहा आपका उसके लिए अनुभव? राजनीति में आने से पहले मुझे किन लोगों ने कहा था कि ये छोटी बच्ची राजनीति में आ कहाँ से रही है, इसलिए आ रही है? अच्छा। पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा। फिर मेरे पापा ने कहा था कुछ नहीं होता, राजनीति में अब भी आना है तो कल भी आना पड़ेगा, तो आ गई और राजनीति शुरू कर दी। फिर भी कुछ लोगों ने टोक दिया कि बच्ची इलेक्शन में उतरी तो है पर सक्सेस नहीं हो पाएगी। अच्छा। तो फिर कुछ लोगों का सपोर्ट लिया और उन लोगों ने बहुत बहुत सी रातों में जाकर मदद की और मुझे इलेक्शन में जितवा दिया। प्रज्ञा जी, नॉर्मली होता ये है कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारा एक काम होता है कि भाई हम हमारे गांव को जो है विकास धारा की मेन धारा में लेकर आए। आपका इस विषय में क्या सोचना है और क्या आप उसके लिए कार्यरत है, क्या कर रही हैं अभी?
मुझे इस विषय में यही एक सोच है कि मैं मेरे गांव के बच्चों को ऊपर लेवल तक पढ़ाई के लिए लेके जाऊँ, गांव का विकास करूँ, जो सरपंच कर पाए उनके उन सरपंच के विचारधाराओं को लेकर आगे के विचारधाराओं को पहुँचाऊँ और मेरे गांव के बच्चों को इस लेवल पर पहुँचाऊँ कि उसका वो सोच भी नहीं रहे। प्रज्ञा जी, मुझे बताइए कि इस समय आपके गांव के अंदर किस तरीके के करंट जो है काम चल रहे हैं, अभी वर्तमान में किस तरीके के काम चल रहे हैं गांव में? अभी तो फिलहाल स्वच्छ गड्ढे के लिए काम चल रहा है, गंद कचरा व्यवस्थापन के लिए वार्ड में हर एक वार्ड में स्वच्छ गड्ढा तैयार है। हमने गांव के लिए, गांव की स्वच्छता के लिए एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाया और इसके लिए हमने गांव के वास्ते डस्टबिन लाए और कचरा पेटी प्रत्येक घर को, घर के कुटुंब के सदस्य से हैसियत से हमने दो दो कचरा पेटी दी है और प्रत्येक वार्ड में हमने स्वच्छ गड्ढे बनाए हैं। ग्राम पंचायत के पिछले बाजू में हमने दो स्वच्छ गड्ढे बनाए और गांव में का जो कचरा जमा होगा वो फिर उस स्वच्छ गड्ढे में एक आदमी लेके टाक देने वाले, फिर हमने वो जो गाँव में शौचालय बनते वो शौचालय भी सब जनों के यूज में आने के लिए शौचालय बनाए हैं। और गांव में अभी तक मैंने रोड वगैरह डाले, जो रोड अभी तक बने नहीं है, मागा स्वर्गीय रोड जहाँ पे गट्टू वगैरह बने जिसमें रोड जाते नहीं है, तो हमने आमदारों की निधि की वजह से पंचायत समिति में लेकर उस निधि के सब विचार सोच समझ के रोड डाले। छोटा सा गांव है आपका, तो ट्रैक्टर वगैरह तो नहीं होता होगा कचरे को उठाने के लिए? तो कचरे को उठाने के लिए आप किस चीज का यूज करते हैं? हाथगाड़ी लाने में। अच्छा, हाथगाड़ी कटला वगैरह जो झगड़ा होता है वो लाया है, उसमें से कलेक्ट होता है और उसके बाद में फिर उसको जो है वहाँ पर डाला जाता है। उसका उसको मतलब उसको रियूज किया जाता है या बायोगैस बनाया जाता है, या फिलहाल क्या कर रहे हैं उसका? रीयूज करने का हमारा विचार आगे है, प्लान चल रहा है, वहाँ पे मशीन वगैरह के बारे में बात चलेगी आगे। हमने वो सामान्य फंड में जो पैसा जमा होता है ना, अच्छा। उससे हम यूज करके रीयूज करने का काम सबके सदस्यों को सोच समझ के वो करने वाले। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे प्रज्ञा जी, आज के जमाने में, क्योंकि खास तौर पर भारत के लिए औरतों को, लड़कियों को आज भी कई जगह पर ये देखा जाता है, खासतौर पर गांव खेड़े के अंदर, की लड़कियां जो है वो सिर्फ खेत का काम कर सकती हैं, गांव में घर में अपने जो है फैमिली को संभाल सकती है, मगर आपने एक नई मिसाल बनाई है, नारी सशक्तिकरण को आपने आगे लेके चले हैं, कैसा लगता है फिलहाल? लगता तो अच्छा ही, पर इसमें सबसे ज्यादा मेरे पापा का हाथ है। अच्छा। उन्होंने कभी मुझे किसी बात के लिए मना नहीं किया है। अच्छा, एक आखिरी मेरा सवाल है, 21 साल की उम्र के अंदर आप अकोला जिला की सबसे यंगेस्ट सरपंच बनी है, फ्यूचर में आपके प्लान्स क्या है आपके गांव के लिए? मुझे मेरा गांव स्वच्छ बनाना है, जहाँ पे कोई ये ना कहे कि ये सरपंच आई थी और वो 21 साल की यंगेस्ट थी और उसने सिर्फ पढ़ाई की है, गांव में कुछ लाया भी नहीं है, कुछ विकास भी नहीं किया है, और कुछ ऐसा कर दिखाना है कि गाँव वाले मुझे, मैं जहाँ भी जाऊँ तो मेरी याद रखे और मुझे कुछ लोगों के सामने कहे कि वो सरपंच थी जो हमारे गांव में एक बार बनी थी, यंगेस्ट थी, पर उसने ऐसा कर दिया है कि कुछ एक्सपीरियंस लोग भी नहीं कर पाए। तो ये थी प्रज्ञा जी, जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और उनके फ्यूचर्स प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं। हम भगवान से जो है ये दुआ करेंगे कि उनके सपने पूरे हों, उनके जो अरमान हैं वो जो गाँव वालों के लिए करना चाहती हैं वो कर पाए, उसके अंदर हम हमारे साइड से जो भी हो पाएगा वो हम उनको लोग करने की कोशिश करेंगे। हमारे ये वीडियो बनाने का कारण वही दिए था कि जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो अभी इस उम्र में 16 साल 17 साल की बच्चियां हैं, वो ये कभी ना सोचें कि वो सिर्फ घर में चूल्हा फूकने के लिए या रोटी डालने के लिए या बच्चों को पालने के लिए होती हैं। आप अगर देखें, आप अगर चाहें, आप अगर दृढ़ विश्वास करें और आपके घर वाले आप पर अगर विश्वास करें तो आप भी हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो आपको ये पूरी स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये स्टोरी पसंद आए तो इसे आगे से आगे शेयर करें।